होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो चीज दिखी कि पैगंबर साहब पे डायरेक्ट टारगेट किया गया और उनके नाम से नारे लगाए गए, और बीजेपी के सीनियर लीडर्स, विश्व हिंदू परिषद के सीनियर लीडर्स डायरेक्ट मॉब को लीड कर रहे थे। और एक और यूनिक चीज यहाँ पे देखने को मिली कि जेसीबी मशीन भी लेके आए थे मॉब में। जेसीबी मशीन का काम क्या है, किसी रैली अगर कोई ऑर्गेनाइज हो रही है तो जेसीबी मशीन का क्या काम है? और आज आप देख रहे हैं कि कोरोना से हमारा पूरा देश जूझ रहा है, जहां पे कोविड गाइडलाइंस भी कोई चीज होती है उनका भी वॉयलेशन किया गया। 5,000 से 5,500 लोगों की भीड़ ने वहां पे जुलूस निकाला, लोगों के घर तोड़े, मुसलमानों की मस्जिद को आग लगाई, और पुलिस प्रशासन के सामने ये सब हो रहा था। कितने वीडियोस आपने देखे हैं कि पुलिस ऑफिसर्स वहां पे हैं और उनके सामने ही ये दंगे किए जा रहे हैं और पुलिस वहां पे चुपचाप खड़ी हुई है। इतनी बड़ी रैली को अगर परमिशन दी थी, पहली चीज तो कोई ऑन रिकॉर्ड परमिशन हमें नहीं पता पड़ी, हमने जिससे ही बात करी तो हमें ये बताया गया कि ऑन रिकॉर्ड कोई परमिशन नहीं दी थी। परमिशन नहीं दी थी तो जिसने भी रैली निकाली उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुई? रैली को रोकने का काम पुलिस ने क्यों नहीं किया? और रैली निकलने के बाद जब ये दंगे हुए, मस्जिदों को आग लगाई गई और महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, तब पुलिस ने फौरन FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं करी? अभी तक हम लोग ये जानने में नाकाम है कि कितने लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई है और कितने लोगों को पुलिस छोड़ रही है। त्रिपुरा पुलिस कई बार ही बयान दे चुकी है कि बाहर से कुछ लोग आके हमारे यहाँ की स्टेट का माहौल खराब करना चाह रहे हैं और झूठी खबरें फैला रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर त्रिपुरा पुलिस ने उन बाहर के लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं करी? उनको जेल में क्यों नहीं डाला?